It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. ये चीज़ मेरे अज़ीज़। अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो फाइनली आपका भाई आ गए एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं न्यू रॉयल पास, मतलब जो M21 तो अभी आया है, जो M22 के अंदर जो जो चीज़ें हमें मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब किल मैसेज जो है ना, किल मैसेज वाला ग्रेनेड तो मैं देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सीट की अगर बात की जाए, एक सीट जो है ना इस वक्त हम देख सकते हैं कि कौन सा सीट होगा और उसका भाई लुक कैसा है। तो चलो, इस घबरा कपरा सीन जो है ना मैं आगे दिखाने वाला हूँ, तो चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले 1000 लाइक आए मैं लाजमी से कंप्लीट करवा देना, और अगर आप चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टा पर भी लाजमी से फॉलो कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, इधर जो है ना एक आरपी में तुम्हें देखने को मिल जाता है मेली वेपन का स्किन। M21 के अंदर पिस्टल का स्किन जो आज आया है, ठीक है, पिस्टल का स्किन हमें देखने को मिला था, और ये जो है ना एक मेली वेपन का स्किन मिलेगा, और एक जो है ना ये वाला सीट तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसके साथ भाई हेडगियर नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ जो है ना इसका टोपा जो दिया है ना, फिर नहीं लगता है कि इसके साथ भी होगा हेडगियर। तो वैसे भी रॉयल पास के अंदर जो है ना दो चीज़ें बेस्ट होते हैं भाई, एक जो है ना इमोट्स और एक जो है ना मिथिक सीट। तो इस बार जो है ना किल मैसेज जो वाला जो ग्रेनेड है वो भी एक हिसाब से बेस्ट लुकिंग होगा। तो अब तुम लोगों ने फिर से कंपेयर करना है, मैंने कहा था ना कि इसके साथ हेडगियर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब अगर 10,000 रुपये की बात की जाए, एक बैकपैक का स्किन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये वाला बैकपैक का स्किन होगा, मिल सकता नहीं भाई, मिलेगा 100%, ठीक है। तो अब M21 के अंदर तो नहीं दिया है बैकपैक स्किन, तो चलो भाई इधर तो देखने को मिल गया, वो भी सेम, अगर ये कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा है। तो अब प्री इमोट की अगर बात की जाए, तुम लोगों ने करना है कंपेयर इसके साथ जो अभी M21 चल रहा है, कौन सा वाला बेस्ट है भाई, वो पोजिंग वाला बेस्ट है जो डोले शोले दिखाते हैं, या फिर ये वाला, ये क्या है भाई, भाई साहब ये है क्या, मतलब समझ से बाहर है ये चीज़। तो उसके बाद अगर बात की जाए, ये जो है ना ये इसका अवतार हो गया, तो अवतार भी बेस्ट लुकिंग है। और फिर उसके बाद बैकपैक और रेमेट फिर से बदकिस्मती से आया है इस रॉयल पास के अंदर जो M22 आने वाला है। ये चीज़ जो है ना किसी भी काम का नहीं है। M21 के अंदर हमारा किस्मत सही था कि नहीं मिला, ठीक है, तो इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जो है ना हमें एक टैंक का स्किन देखने को मिल गया था। तो अब 20 RP में जो है ना एक प्री पराशूट का स्किन है, जो भाई जो बंदा रॉयल पास परचेस नहीं करता है उन बंदों के लिए भी है, ठीक है, तो जो बंदा रॉयल पास परचेस करता है उनके लिए भी है, ठीक है। तो इसके नीचे जो बेस्ट चीज़ है वो ही है। तो अब ये जो है ना ये एक ग्रेनेड का स्किन है, तुम्हें भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मगर नहीं भाई, इसके अंदर जो है ना वो चीज़ बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए इसका किल मैसेज की, तुम लोगों ने करना है कंपेयर, जो पिछला वाला आया था रॉयल पास के अंदर वो बेस्ट है, फिर ये देखो सर, ये किल मैसेज ये वाला सी है या फिर वो वाला, यार वो वाला मुझे अच्छा लग रहा है जो रेड वाला है। खैर ये भी देख लेते हैं, बेस्ट है। अगर कोई किल मैसेज वाला हमें फिर से देखने को मिल जाए एन गेम, मतलब एन रॉयल पास के अंदर, रॉयल पास के अंदर हमें मिल जाए वो चीज़ जो है ना वो फिर बेस्ट हो जाता है। तो अब ये भी एक हिसाब से सही है। तो उसके बाद अगर बात की जाए 25 RP पे एक प्री का सेट हमें देखने को मिलता है, तो इसके साथ कोई हेडगियर वगैरह कुछ खास होगा या फिर नहीं, 25 RP पे बस ये भाई नॉर्मल सा सेट है, और वो भी एक इपिक है, इपिक देखने को मिलता है हर बार की तरह, इस बार भी हमें एक इपिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलो आगे आगे भाई, कौन सा चीज़ देखने को मिलेगा 30 RP पे, एक वाचर है जो तुम यूज़ कर सकते हो। अरे भाई साहब, हाँ तो ये चीज़ मेरे अजीज़, यार बग्गी का स्किन भी आ रहा है, सीरियसली, नहीं किल मैसेज भी आ रहा है, बग्गी का स्किन भी आ रहा है, पबजी वालों ने आज पता नहीं आजकल यार करके आ रहा है, मतलब एकदम मज़ा आ जाता है रॉयल पास के अंदर से, मतलब बंदे को फील होता है कि हाँ भाई ये है ही रॉयल पास। एक बग्गी का स्किन भी हमें देखने को मिल जाएगा 30 RP पे, मुरे जाने मिथिक इमोट का सीट है, भाई ये क्या है, जो मेरे फेवरेट चीज़ें वो इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं, ना करो सीरियसली यार, इतना तो इमोट नहीं होना है, मतलब इमोट जो है ना लंबा चौड़ा होता है जैसा कि प्री आरपी का होता है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए, ये जो है ना G3 का एक स्किन है जो तुम्हें मिल जाता है बिल्कुल प्री में 35 RP पे, ये भी एक हिसाब से सही है भाई, इसका स्किन अक्सर बंदों के पास नहीं होगा, अगर मैं कहूँ मेरे पास भी नहीं होगा, ठीक है मेरे पास भी ये वाला इसका स्किन नहीं होगा, चलो यार सही है, अगर आ जाए तो बेस्ट है यार, प्री में आ जाए या फिर
रॉयल पास परचेस करने पे आ जाए, मतलब लाइट हो या फिर फ्री हो, दोनों के दोनों चलेगा। क्योंकि भाई जिस गन का स्किन हमारे पास है ही नहीं, अगर वो आ जाए वो हर हिसाब से सही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए पोस्टे आरपी पे, 40 आरपी पे हमें देखने को मिल जाएगा एक ग्रोजा का स्किन। ग्रोजा का स्किन बेस्ट लुकिंग है, एक लीजेंडरी स्किन है, जितने भी आए हैं उन सब में से वाला मुझे अच्छा लग रहा है भाई, गोल्डन गोल्डन टाइप का है, ठीक है। फील आ रहा है कि भाई गोल्डन जो है ना हमारे पास भी है इस वक्त। तुम्हें कैसा लगा ये वाला ग्रोजा का स्किन कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। देखो भाई सीजन के अंदर भी इस बार दिया है, इधर भी दिया है, तो अब और किस जगह पर, एक और जगह पर भी था जहाँ तक मुझे याद है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए भाई मिथिक्स की, अब सवाल इधर ये उठता है कि भाई मिथिक्स कौन कौन से हमें देखने को मिल जाएंगे। इधर जो है ना एक सीट दिखा रहे हैं, मगर नहीं भाई इसके साथ जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका हेडगियर होगा लेजेंडरी, जैसा कि M20 चल रहा था, ठीक है। और इसका सीट होगा मिथिक, और दो मिथिक्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि इधर देख सकते हो, ठीक है। M20 के अंदर हम इन दोनों में से एक चूज कर सकते थे कि भाई एक उड़ाओ, ठीक वैसा ही इसका भी होगा। तो दूसरा सीट इसका अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि भाई वो कौन सी टाइप का है या फिर किस टाइप का वो हमें देखने को मिलता है। तो अब जैसे ही वो आता है उस पर हम अलग से एक वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे कि भाई वो सीट किस टाइप का है, ये वाला बेस्ट है या फिर वो वाला। खैर ये जो है ना बात की बात है, तो अब ये वाला तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना। तो इसके अंदर इस रॉयल पास के अंदर दो चीज़ें जो मुझे अच्छे लगे हैं, एक जो है ना किल मैसेज वाला ग्रेनेड हो गया और एक जो है ना बगी का स्किन हो गया। तो अब इधर की अगर बात की जाए रॉयल एडवेंचर के अंदर भी अच्छी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है चीज़ें। तो अब इनमें से एक भाई बैकपैक का स्किन इधर क्यों आया, आजकल पबजी वाले जो है ना कुछ ज़्यादा यार ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए एक जो है ना वैंग बैन तुम्हें देखने को मिल सकता है, साइड पे जो है ना पर लिखा हुआ है, मतलब जो पर होते हैं ना उसको जो है ना साइड पे पेंट किया है, ये भी सही है अगर कोई बंदा परचेस करना चाहता है तो। वैसे ये किसी काम का है नहीं, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ, क्योंकि भाई इसको अगर तुम परचेस करोगे सिर्फ और सिर्फ प्लेइंग के साथ तुम्हारा नाम आएगा और कुछ भी नहीं उसे। और इसके इसका स्किन जो है ना बेस्ट लुकिंग है, और ये वाला सिर्फ भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। और बैकपैक जो है ना वो 100% आएगा रॉयल पास के अंदर, क्योंकि भाई इधर से हमको नहीं चाहिए, जो रॉयल एडवेंचर है उसके अंदर से जो है ना हमें नहीं चाहिए बैकपैक का स्किन। अगर ये अलग है तो फिर सही है, और अगर ये वही है तो फिर भाई नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ना अगर कोई एक चीज़ रॉयल पास के अंदर मिलता है वो फिर से दोबारा तो हम रिडीम नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो अब अगर ये अलग हो गया तो फिर भाई बेस्ट है, ठीक है, जिस बंदे को भी निकालना है निकाल सकता है। तो इस रॉयल पास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे दो चीज़ें अच्छी लगी है, एक जो है ना किल मैसेज वाला ग्रेनेड हो गया और एक जो है ना बगी का स्किन हो गया, ठीक है भाई। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो भाई डोले शोले दिखाओ, लाइक रखो और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करो, किसी एक ग्रुप में भी इसको फेंक सकते हो। उस बारी वीडियो पे तेरे भाई ने रॉयल पास की गिवअवे की थी, उस पर अगर आपने अभी तक नहीं गए हो कल जो है ना उसका हम विनर भी निकालेंगे, उधर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।